ये गाड़ी होंडा ग्रेस है। ये इसके लिंकर असेंबली है, इसको लिंक असिस कहते हैं। ये इतने जहम हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं कि इनके नट खुल नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें इनको ग्राइंडर से काटना पड़ रहा है। ये शॉकर्स और बैलेंस रॉड के दरमियान लगे होते हैं, एक साइड से शॉकर में, दूसरी साइड से बैलेंस रॉड में ये फिट होते हैं। इनको जैसे हल्की आवाज़ करे सस्पेंशन को चेक करवाना चाहिए, और ये बैलेंस रॉड के जो लिंकर असेंबली है इसे हमें चेंज करना चाहिए। ये देखिए इतने इसके नट सीज हो गए हैं कि हमें मजबूरन ग्राइंडर के साथ इनको कटिंग करके बाहर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये जंग की वजह से खुल ही नहीं रहे थे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में उसमें काम नहीं करवाते। वो समझते हैं कि शायद ये गाड़ी हमारी नहीं है, तो 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी को वो नया समझ रहे होते हैं और बेगौरी से चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी हादसे का सबब बनती है। तो ये देखें दोनों तरफ से हमें बैलेंस रॉड की साइड से और शॉकर की साइड से दोनों तरफ से काटने पड़े। अभी भी देखें ये बैलेंस रॉड की साइड से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी एडवाइस है कि अगर ये ना खुलें तो इनको आप इस तरीके से काट कर निकाल सकते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक नया लिंकर है और एक पुराना लिंकर। बंदे ने इंजन खोला, नया लिंकर आप देख सकते हैं, गाड़ी का ये खोला, बिल्कुल ये फिट है, इसमें किसी किस्म उसके ऊपर थोड़ी देर वेट किया, फिर उसको एजिटेट वेट किया, फिर कितनी मुश्किल से इंजन खोला, स्प्रे किया फोम वाला, पुराना देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रश से वो किया मला, फिर जो शाइन आई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के सस्पेंशन में सिर्फ आपके ये लिंकर आवाज़ कर रहे होते हैं, आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैकेनिक सिर्फ ये लिंकर चेंज करता है और आपकी गाड़ी की आवाज़ बंद हो जाती है, और आपको इसके एवज़ काफ़ी हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है। लिहाजा हमारा मकसद है कि आप तक गाड़ियों की सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप अपनी गाड़ियों को अप टू डेट रख सकें, मेंटेन रख सकें, किसी भारी नुकसान से, किसी बड़े हादसे से बच सकें। ये देखें ये एक तरफ से हमने शॉकर की साइड से फिट कर दिए, ये दूसरी साइड है इसकी बैलेंस रॉड की साइड से, यहाँ से फिट करेंगे इसको। तो ये बड़ा आसान है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं इसे रिप्लेस, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी आवाज़ है, इसको खोलने के लिए आपके पास एक एल की सेट होना चाहिए और स्टार एल की सेट होना चाहिए, और दूसरा आपके पास 14 का पाना होना चाहिए, 14 mm का स्पैनर होना चाहिए आपके पास। ये देखें ये 14 का नट है, इस पर लगा के टाइट कर देंगे हम। अब पब्लिक अवेयरनेस मैसेज बाय चीदा मोटर्स, थैंक यू।